वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐश की फ्रॉगी की सैड स्टोरी के बारे में। मतलब कि आज की स्टोरी बहुत ही सैड होने वाली है। हाँ क्लाउ, आज की वीडियो थोड़ी सी सैड होने वाली है, बट पोकेमोन फैंस के लिए आज की वीडियो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे क्लाउ, देख क्या रहे, हर वीडियो में बताना पड़ेगा। चल एंट्रो लगा। हमारा फ्रॉगी पहले एक कबीले में रहा करता था, जहाँ पर सिर्फ फ्रॉगी पोकेमोन ही रहते थे। वहाँ पर सारे पोकेमोन नाचते गाते रहते थे, बट हमारा फ्रॉगी कुछ ऐसे नहीं था। हमारे फ्रॉगी के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था और वो किसी भी पोकेमोन की बात नहीं सुनता था। यहाँ तक कि वो ट्राइब के बॉस की भी बात नहीं सुनता था। वो सारा दिन प्रैक्टिस पर ध्यान देता था। उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा था। अगर आपने पोकेमोन एक्स वाई जी के कोई भी एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा फ्रॉगी के अंदर कितना एटीट्यूड है और कितना मेहनती है। तो वो किसी भी पोकेमोन से अच्छे से बात नहीं करता था और दिन भर लड़ाई झगड़ा करता रहता था। तो ट्राइब के जो बॉस था, उसने हमारे फ्रॉकी को अपने ट्राइब से मार पीट कर बेदखल कर दिया। उन फ्रॉकीज ने हमारे फ्रॉकी को क्यों मारा? अरे क्लॉ, हमारे फ्रॉकी को इसलिए मारा गया क्योंकि वो किसी भी पोकेमोन के साथ अच्छे से बात नहीं करता था और सारे पोकेमोन के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। अब आगे तो बताओ, उसके साथ क्या हुआ? अरे क्लॉ रुक जा, मैं आगे बताता हूँ। तू ही तो मेरे को वीडियो में बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो गाइस, उसके बाद जो हमारा फ्रॉकी था वो बहुत ही बुरे हालत में था, और तब वो हमारे प्रोफेसर सिकामोर को मिला। तब प्रोफेसर सिकामोर ने उसका इलाज किया और उसको एक स्टार्टर पोकेमोन के तरह रख लिया। और ये फ्रॉकी हमारा फ्रॉकी बहुत सारे पोकेमोन ट्रेनर्स इसको चूज करते थे, बट सारे पोकेमोन ट्रेनर्स इसको वापस छोड़ आते थे क्योंकि ये किसी भी पोकेमोन ट्रेनर की बात नहीं मानता था। बट उसके बाद हमारा पोकेमोन ट्रेनर वहाँ पे ऐश पहुँचा और फ्रॉकी ने ऐश के अंदर एक अलग सा जज्बा देखा। वो अपने पोकेमोन्स के साथ कितना अच्छे से बात करता है और वो गार्चॉप को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से कूद गया था। तो ये सब देखकर हमारा फ्रॉकी अपने आप ऐश के साथ जाने के लिए मान जाता है और धीरे धीरे ऐश और फ्रॉकी का बहुत ज़्यादा बॉन्ड बन जाता है और वो फाइनली हमारा फेवरेट पोकेमोन में ग्रीन निंजा में बदल जाता है। जो भी पोकेमोन का फैन होगा उसको ग्रीन निंजा के बारे में पता होगा कि ग्रीन निंजा कौन है। तो यहीं से ये स्टोरी स्टार्ट होती है और यहीं से ये स्टोरी खत्म होती है। कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल के क्विज के विनर है हमारे डिजिटल गेमर एंड एनिमी लवर। कल के क्विज का आंसर था बेड्रिल। तो आज हम फिर से एक क्विज पूछने वाले हैं। इनमें से कौन सा पोकेमोन है जो लिक्विड रंग का नेक्स्ट इवोल्यूशन है? सही आंसर देने वाले पोकेफन का नाम मैं अगले वीडियो में जरूर लूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।